जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की इस क्लास में हम भारत के पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अब हमारे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है, जिससे कि इंडियन नेवी की सुपरियोरिटी अरबियन सी और इंडियन ओशियन में और भी बढ़ेगी। आईएनएस विक्रांत है क्या, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और ये हमारे इंडियन नेवी को किस प्रकार से और भी स्ट्रेंथन करेगा, इसके बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि एसएसबी क्रैक एग्जाम एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स के साथ आगे बढ़ रहा है और आप अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर कर पाओगे। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ भी इस कोर्स को आप शेयर करते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत अब हमारे इंडियन नेवी को दे दिया गया है और भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और हमारे इंडियन नेवी के चीफ सभी लोग सदर्न नेवल कमांड जो कि केरल के कोची में है वहां पर मौजूद थे और इस सेरेमनी में उन्होंने पार्टिसिपेट करके भारत के इस इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को अब इंडियन नेवी के हवाले कर दिया है। इस उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कई बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि विक्रांत इज नॉट जस्ट अ वॉरशिप, दिस इज अ टेस्टमेंट टू द हार्ड वर्क, टैलेंट, इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सेंचुरी का भारत का पहला ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो कि हमारे इंडियन नेवी को और भी मजबूत करेगा ओशंस पर और सी में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एवरी पार्ट ऑफ आईएनएस विक्रांत हैज इट्स ओन मेरिट्स, स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट जर्नी ऑफ इट्स ओन, इट इज अ सिंबल ऑफ इंडिजीनियस पोटेंशियल, इंडिजीनियस रिसोर्सेस एंड इंडिजीनियस स्किल्स। क्योंकि आप सभी जानते हो कि 76% के इंडिजीनियस कंटेंट के द्वारा इस भारत के आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है और इस आपके युद्धपोत को बनाने में भारत के जितने भी स्वदेशी कंपनियां थी उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही थी। भारत के इस युद्धपोत में इंडियन नेवी की वेमेन सेलर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि हम वेमेन एम्पावरमेंट को और भी शक्तिशाली कर पाएंगे और महिलाओं को अधिक से अधिक आपका अपॉर्चुनिटी देकर इंडियन नेवी की फायर पावर और भी मजबूत कर सकेंगे। रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि यू ऑल आर अवेयर ऑफ द नेवी ट्रेडिशन, ओल्ड शिप नेवर डाई, ओल्ड शिप नेवर डाई, क्योंकि 1971 में आईएनएस विक्रांत के नाम से भारत का पहला युद्धपोत भारत के पास था और उसको डीकमीशन करवाया गया, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं किया गया और भारत के इस 21वीं शताब्दी में भारत का जब पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुआ तो उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत रखा गया। इसलिए कहा करते हैं कि ओल्ड शिप नेवर डाइस। और इसी सेरेमनी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन नेवी का नया इंसाइन भी रिवील किया गया, जिसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राइट हैंड डाउन कॉर्नर पे आपका 8 ऑक्टोगोनल शेप का एक इंडियन नेवी का इंसिजीनिया है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में शम नौवर्णा उद्धृत किया गया है, जो कि छत्रपति जी शिवाजी महाराज के रॉयल सील से प्रभावित होकर इसको हमारे इंडियन नेवी का पार्ट बनाया गया है। और इस प्रकार से ये स्वदेशी विमान वाहक पोत के साथ जो अब हमारे इंडियन नेवी का जो नया इंसाइन है वो भी पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक लार्ज वॉरशिप होता है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और यहां तक कि 1000 से भी ज्यादा डिफेंस पर्सनल इसमें आपके शामिल होते हैं, जिससे कि वो अपने मैरीटाइम बाउंड्री की आसानी से सुरक्षा कर पाते हैं। एयरक्राफ्ट किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट इस प्रकार से होता है क्योंकि वो आपके लॉन्ग रेंज तक जा सकता है, लॉन्ग रेंज तक आपका मिसाइल फायर कर सकता है और इसमें जितने भी आपके फाइटर एयरक्राफ्ट लगे होते हैं उनको एयर रिफ्यूलिंग के लिए बार बार आपके बेस पर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि रिफ्यूलिंग उनकी इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा करवा दी जाती है। भारत के पास अभी तक टोटल आपके 4 वॉरशिप्स आए थे, जिसमें अभी सिर्फ
दो ही आपके सर्विस में है। तो सबसे पहला वॉरशिप आपका आइनिस विक्रांत था, जिसको 1997 में डीकमीशन करवाया गया था। इसको हमने ब्रिटिशर से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से आपका खरीदा हुआ था, और इसी कारण से भारत का जो पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम आइनस विक्रांत रखा गया है। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आइनस विराट था, जिसको वर्ष 2016 में डीकमीशन करवाया गया था, आप सभी उससे परिचित होंगे। और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आइनस विक्रमादित्य, जो कि अभी सर्विस में है और हमने इसको वर्ष 2013 में कमीशन करवाया हुआ है, जो कि हमारे इंडियन नेवी की नेवल फायर पावर को और भी इंक्रीज करता है। और इस प्रकार से भारत ने उस एलीट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है जिन देशों के पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की कैपेबिलिटी है। इसी के साथ भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रशिया के साथ अब आपके इस ग्रुप में शामिल हो गया है, जिससे कि भारत के पास वो कैपेबिलिटी कैपेसिटी आ गई है कि भारत स्वयं का एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। अगर हम आइनस विक्रांत के बारे में जाने तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1970s का जो हमारा आइनस विक्रांत था उसी के नाम पर हमने इस आइनस विक्रांत का नाम रखा है, और इस आइनस विक्रांत ने 1971 के वॉर में काफी अहम भूमिका निभाई थी। इस एयरक्राफ्ट को बनाने में कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक आई है, और इसको भारत की कंपनी CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा 100 से अधिक आपकी MSME इसमें आपकी शामिल थी, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, GRSE, लार्सन एंड टूब्रो जैसी आपकी तमाम इंपॉर्टेंट कंपनियां ने इसमें अपना सहयोग दिया है। और DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और इंडियन नेवी ने भी अपना पूरा सहयोग इस आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में दिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में जितनी भी स्टील्स लगी हैं उसका प्रोडक्शन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के द्वारा कोलाबोरेशन करके किया गया है। इसकी शुरुआत फरवरी 2009 में की गई थी और 2013 में इसका कंप्लीशन किया गया। उसके बाद इसको काफी बार ट्रायल में भेजा गया और लास्ट आपका 2 सितंबर 2022 को इस आपके विमानवाहक पोत को हमारे इंडियन नेवी में कमीशन करवा दिया गया है। इंडियन एयरक्राफ्ट आपके काफी मायनों में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका एक मिनी हॉस्पिटल भी लगाया गया है, जिसमें आपके मॉड्यूलर OT, इमरजेंसी मॉड्यूलर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ICU, लेबोरेटरी, CT स्कैनर, एक्सरे जैसी तमाम आपकी फैसिलिटी मेडिकल से रिलेटेड प्रोवाइड की गई है। अब हम देख लेते हैं कि ये किन किन मायनों में दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल क्रू 1700 आ सकते हैं, कंपार्टमेंट्स 2300, टॉप स्पीड की बात करें तो 28 नॉट्स की है, क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स, इंड्योरेंस 7500 नॉटिकल माइल्स आपका एक बार में ये कवर कर सकता है, यानी कि भारत की जितनी बाउंड्री लाइन है उसको वो एक बार में आपका कवर कर सकेगा। इसकी हाइट 59 मीटर्स की है, डेक इसमें 14 बनाए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल लेंथ 262 मीटर्स की है, विड्थ 62 मीटर्स, और इसमें 2 फुटबॉल के मैदान आपके इसमें आ सकते हैं। वेट इसका 40,000 टन वजनी आपका ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 34 फिक्स विंग एंड रोटरी एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। MiG-29 एयरक्राफ्ट इसमें लगाए जाएंगे, अब इसमें शामिल कर दिए गए हैं, जिससे कि ये एयर सुपीरियरिटी भी हमारे इंडियन नेवी को प्रोवाइड कर सके। अमेरिकन बिल्ट MH-60R, जिसको हम रोमियो हेलीकॉप्टर कहते हैं, उसको इसमें आपका रखा गया है, जिससे कि हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर पाए। और इंडियन नेवी अब 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है, जिसको अब इस आइनस विक्रांत पर जल्द ही वर्ष 2027 तक डिप्लॉयड कर लिया जाएगा। तो ये थी इंडियन नेवी के आइनस विक्रांत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी फुल फ्लेज कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोर्स में इनरोल होने से पहले आप सभी इस Warrior10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।